तो हेलो गुरु लोग, मेरा नाम है केशव और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स के बारे में। ये हमारे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स हैं, वो ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटीज, इवेंट्स या फिर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक पर्सन के ऑक्यूपेशन की वजह से होते हैं, कहाँ पे काम करता है उसकी वजह से जो डिजीजेज होते हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती हैं, उन्हें हम ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स में कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑक्यूपेशनल हैजर्ड की डेफिनेशन क्या होती है, फिर वो किन किन कॉजेज से हो सकते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं और फिर उन्हें किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो चलो गुरु लोग, कॉपी निकालो, आज का टॉपिक डालो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होती है। जो हमारी ऑक्यूपेशनल हेल्थ है वो है दी मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ ऑल दी वर्कर्स एट दी ऑल ऑक्यूपेशंस। इससे कहने का मतलब है कि हर ऑक्यूपेशन में हर वर्कर की सोशल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ वेलबींग को इन टॉप कंडीशन में रखा जाए कि जिस जो उसकी बेस्ट कंडीशन है उसमें हो रहा है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सके। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि हैजर्ड्स क्या होते हैं। जो हमारे हैजर्ड्स हैं वो कंडीशन, एक्टिविटीज, इवेंट्स, सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें अगर प्रिवेंट ना किया गया तो वो हार्म या फिर डेथ कॉज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या होते हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीजेस वो डिजीजेस होते हैं जो किसी भी पर्सन के ऑक्यूपेशन की वजह से हो रहे हैं, कि वो क्या काम करता है इस वजह से हो रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कि किस किस टाइप के इंटरेक्शन एक पर्सन अपने ऑक्यूपेशन में करता है। जो सबसे पहला हमारा इंटरेक्शन होता है वो होता है हमारा मैन टू बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल एजेंट्स। फिर जो दूसरा हमारा टाइप होता है वो होता है मैन टू मशीन्स, और जो हमारा तीसरा टाइप होता है वो होता है हमारा मैन टू मैन। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो कॉजेस के ऊपर है और वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले हमारा फिजिकल हैजर्ड्स, फिर उसके बाद केमिकल हैजर्ड्स, फिर बायोलॉजिकल हैजर्ड्स और फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल या फिर बिहेवियरल चेंजेस। जो इन सारे फैक्टर्स में हमारा सबसे पहला फैक्टर है वो हमारे फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे हीट की। तो जो पर्सन ऐसे एनवायरनमेंट में काम करता है जिसके आसपास बहुत ज़्यादा हीट है, जैसे कि भट्टियों में काम करता है या फिर ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ पर फॉजिंग होती है, या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में काम करता है सारा दिन, गर्मी के टाइम पर धूप में काम करता है, ये चीज़ें उन सब के साथ हो सकती हैं। तो वो हीट की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले हीट एग्जॉशन, जिसमें हमारी मसल फटीक, हेडेक, सोरनेस, जनरलाइज फटीक आते हैं। फिर उसके बाद उसे हो सकते हैं हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं। हीट क्रैम्प्स में एक्सेसिव हीट की वजह से, वाटर एंड सॉल्ट लॉस की वजह से हमारे जो मसल्स हैं उसमें क्रैम्प्स आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पाज्म हो जाता है। फिर उसके बाद हीट की वजह से उसे फेंटनेस हो सकती है, ज़्यादा देर हीट में काम करने की वजह से वो आदमी बेहोश होकर के गिर सकता है। फिर आते हैं हमारे बर्न्स, जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी या फायर की वजह से हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे हीट स्ट्रोक्स आते हैं जो कि सडन डेथ कॉज करते हैं एक्सेसिव हीट की वजह से। तो जो इन द एंड हमारी हीट है वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, तो इसे प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हम प्रॉपर क्लोथिंग पहन सकते हैं, प्रॉपर सेफ्टी गैजेट्स पहन सकते हैं। दूसरी बात, हम रेगुलर चेकअप्स करा सकते हैं, इक्विपमेंट का भी और पर्सन का भी, वर्कर का भी, जिससे कि हमें पता चले कि इक्विपमेंट और वर्कर जॉब के लिए फिट है या नहीं है। हम टाइम टाइम पे वर्क प्लेस का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, हम एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं जिससे कि एक ही पर्सन काफ़ी लंबे समय तक हीट के एक्सपोजर में ना रहे। दूसरी चीज़, उसके बाद आते हैं हम दूसरे फिजिकल फैक्टर पे जो कि है कोल्ड। तो कोल्ड की वजह से हमें क्या क्या हो सकता है। कोल्ड की वजह से हमें फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। फ्रॉस्ट बाइट में हमारे स्किन या फिर डीपर टिश्यूज को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है फ्रीजिंग की वजह से। बहुत एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। दूसरी चीज़, चिल बेन्स। देखा होगा कि सर्दियों में हम सबके जो टोज हैं, जितनी पाँव की उंगलियाँ, वो सारी सूज जाती हैं, तो वो होते हैं हमारे चिल बेन्स।
तो ये जो कंडीशंस हैं किन किन लोग हो सकती हैं, वो सभी लोग जो भी ऐसे कोल्ड एनवायरनमेंट में काम करते हैं या फिर आइसक्रीम फैक्ट्रीज में काम करते हैं या फिर जो सोल्जर्स हैं वॉर के टाइम पे जो कि बहुत ही ज़्यादा विंटर के टाइम पे लड़ने जा रहे हैं हायर एल्टीट्यूड्स पे इन एरियाज में, उन्हें सारी चीज़ें हो सकती हैं। इस सब के बाद हम बात करते हैं कि इसे कैसे प्रिवेंट किया जाए। वही सेम चीज़ें, हम प्रॉपर गियर्स पहनने हैं, प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहनने हैं, प्रॉपर क्लोथिंग पहननी है जिससे कि ठंड हमारे शरीर तक ना पहुंच सके। हम रूम हीटर्स का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, और जो हमारे बूट्स हैं, जो हमारे जूते हैं, वो वाटरप्रूफ होने चाहिए और पर्सनल और इक्विपमेंट्स का रेगुलर चेकअप होना चाहिए जिससे कि हमें पता चले कि इक्विपमेंट और पर्सन जो है वो वर्क के लिए फिट है या नहीं है। तो चलिए हम तीसरे फिजिकल फैक्टर की बात करते हैं जो है हमारा लाइट। तो लाइट की वजह से क्या क्या हो सकता है? लाइट की वजह से हमें ऑक्यूपेशनल कैटरैक्ट हो सकता है। ये उन लोगों को होता है जो कि जिनकी आंखों पे डायरेक्ट ही रेडिएशन पड़ जाती है किसी भी टाइप की, वो चाहे लेज़र हो, यूवी हो या फिर विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन हो, ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से उन्हें ऑक्यूपेशनल कैटरैक्ट हो सकता है। दूसरी चीज़, माइनर्स निस्टैग्मस। ये जो डिजीज़ है ये मोस्ट ऑफ द माइनर्स को होता है। इसमें क्या होता है, जो पर्सन है उसे डिफ़िकल्टी होती है अंधेरे में देखने में। तो इसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका है? तो इस प्रिवेंट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम जब भी रेडिएशन, किसी भी टाइप की रेडिएशन के साथ काम करें तो हमें प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहनने, प्रॉपर सेफ्टी गॉगल्स पहनने हैं। जो हमारा अगला फिजिकल फैक्टर है वो है नॉइस। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द हाई लेवल नॉइस से हमें ऑक्यूपेशनल डेफनेस हो सकती है। ऑक्यूपेशनल डेफनेस में जो हमारी ऑडिटरी नर्व है उसका डीनर्वेशन हो जाता है, डीजनरेशन हो जाता है, जिससे कि हमें डेफनेस हो जाती है। उसके बाद हमारा अगला फैक्टर आता है रेडिएशन। तो रेडिएशन में हमारे आयोनाइजिंग रेडिएशंस आती हैं जैसे गामा और एक्सरे। तो इनके लो एक्सपोजर की वजह से स्किन कैंसर हो सकता है और हाई एक्सपोजर की वजह से टिश्यू डेथ, टिश्यू डैमेज या फिर पर्सन की डेथ भी हो सकती है। और प्रिकॉशंस इसके लिए भी सेम है, वियर प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड चेक देम रेगुलरली। इसके बाद जो हमारा अगला फिजिकल फैक्टर आता है वो हमारा मैकेनिकल फैक्टर है, जिसमें हमारे फॉल, मशीन्स और वाइब्रेशंस आती हैं और इनकी वजह से होने वाले इम्पेयरमेंट और डेथ्स को हम मैकेनिकल हजार्ड्स में कंसीडर करेंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला फैक्टर है वो है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें वो सारे डिजीज आते हैं जो किसी भी लिविंग क्रीचर की वजह से होते हैं, जिसमें हमारे वेक्टर बॉर्न डिजीज हो सकते हैं, ब्लड बॉर्न डिजीज हो सकते हैं एंड ऑल द डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनाइज्म। जो हमारे मोस्ट कॉमन डिजीजेस हैं वो है हमारी हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, एचआईवी, एड्स, एंथ्रेक्स और टिटेनस। तो हम बात करते हैं हमारे अगले फैक्टर की जो है हमारे केमिकल फैक्टर्स। जो हमारे केमिकल फैक्टर्स हैं उसमें हमारे एसिड्स, बेस, हैवी मेटल्स, डस्ट, नॉक्सियस गैसेस, पॉइजनस गैसेस और हाईली रिएक्टिव मेटल्स आते हैं। तो इनकी वजह से हमें क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले हमारी जो डस्ट है उसकी वजह से हमें लंग डिजीज हो सकते हैं। जो हमारी डस्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनऑर्गेनिक और एंड ऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक डस्ट है उसमें हमारे आते हैं ये कोल्ड डस्ट, जिसकी वजह से हमें एंथ्रेकोसिस हो सकता है। दूसरी आती है हमारी सिलिका डस्ट, जिससे हमें सिलिकोसिस हो सकता है। सिलिकोसिस में हमें लंग फाइब्रोसिस हो जाता है, जिससे जो हमारे लंग्स हैं उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, वो स्टिफ हो जाते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं, जिससे कि हमें प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। फिर उसके बाद हमारा एबेस्टोसिस आता है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक एबेस्टोसिस को इनहेल करने से होता है, जिसकी वजह से हमारे लंग कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। फिर उसके बाद हमारे आयरन से साइड्रोसिस होता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे ऑर्गेनिक डस्ट, जिसमें हमारा कॉटन फाइबर, कीन फाइबर और ग्रेन डस्ट होता है। तो कीन फाइबर से बेगेस्टोसिस होता है, कॉटन फाइबर से बाइसिनोसिस
और ग्रेन डस्ट से फार्मर्स लंग होता है। इन तीनों ही कंडीशंस में सिम्टम्स हैं वो अस्थमा के आते हैं, और केमिकल्स से और भी बाकी सारी डिजीज और कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारा कैंसर, बर्न्स और टिश्यू डैमेज आता है। तो ये तो हो गए हमारे केमिकल डिजीजेस। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसे प्रिवेंट कैसे किया जाए। सबसे मेन पॉइंट है वह वियरिंग द प्रॉपर इक्विपमेंट, चेकिंग देम रेगुलरली एंड हैंडलिंग द हार्मफुल केमिकल्स प्रॉपरली। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले फैक्टर के बारे में, जो कि है साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल फैक्टर। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है हमारे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, जैसे कि ओवरवर्क और ओवर स्ट्रेस ऑफ वर्क। फिर उसके बाद आता है हमारा वॉयलेंस, जो कि वर्क प्लेस के अंदर या फिर बाहर हो सकता है। फिर उसके बाद आता है हमारा बुलिंग, जिसमें इमोशनल और मेंटल बुलिंग आ सकती है। फिर है सेक्सुअल हैरेसमेंट, और फिर उसके बाद आता है हमारा एक्सपोजर टू अनहेल्दी एलिमेंट्स लाइक टोबैको, एल्कोहल। तो बात करते हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से हो क्या सकता है। जो पर्सन है उसे डिप्रेशन, एंजाइटी, डिस्करेजमेंट, मेमोरी लॉस, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इन दी एंड वो मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा की वजह से मर भी सकता है। तो गुरु लोग, ये तो हो गए हमारे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। अब बात करते हैं कि इन ओवरऑल एज एन होल हम प्रिवेंशन उसका कैसे कर सकते हैं। हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है वर्कर्स के, और उनके रेगुलर चेकअप्स कराने हैं कि जिससे हमें पता चले कि कोई भी पेशेंट बीमार तो नहीं है या फिर अनफिट फॉर द जॉब नहीं है। और हमें कम्युनिकेबल डिजीजेस को प्रिवेंट करना है। और फिर उसके बाद जो वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हमें एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन पे ध्यान रखना है, जिसमें वाटर, फूड, टॉयलेट्स और वर्क प्लेस का सैनिटाइजेशन आता है। और फिर उसके बाद जो हमारा वर्क प्लेस है वहाँ पे सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, सफिशिएंट वेंटिलेशन होना चाहिए और प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे वर्कर्स हैं हमें उनके मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है कि उन्हें हम ज़्यादा काम ना दें, उनसे ओवर वर्क ना कराएं, उन पर ज़्यादा प्रेशर ना डालें। और ये भी ध्यान रखना है कि कहीं पर कोई भी वर्कर किसी को बुली ना कर रहा हो इमोशनल या मेंटली। और फिर उसके बाद हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं वर्कर्स को, और फैमिली प्लानिंग एजुकेशन दे सकते हैं जिससे कि उसे कोई भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स ना हो, कि अगर परिवार बड़ा होगा तो देखो पैसों की प्रॉब्लम तो होगी, तो उसकी वजह से भी काफ़ी वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है। आदमी बहुत ज़्यादा ओवर टाइम करने लग जाता है और उससे बहुत ज़्यादा वर्क स्ट्रेस होता है। तो गुरु लोग, दैट्स इट फॉर द टुडे। ये था हमारा टॉपिक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। तो अगर आप लोग कुछ चीज़ें समझ में आई है, मैं ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को दिखाना चाहते हो तो शेयर कर दो। इस टॉपिक में या पिछले किसी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। That's just so good.